हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 का प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ एक पार्ट थर्ड में क्या है कि चार टर्म दिए हुए हैं, उसमें दो मिसिंग है, ठीक है, और बोला जा रहा है कि ये चारों टर्म जो है ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करने हैं, जो भी मिसिंग टर्म्स है जो कि बॉक्स में होगा, ठीक है, वो हमें फाइंड करने हैं। तो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, देखिए एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या दो चीज होते हैं, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो पहले हमें हम अगर ये दोनों पता कर लें तो बाकी मिसिंग टर्म हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहां पर हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू ए वन या a, ठीक है, दोनों फर्स्ट टर्म डिनोट करते हैं, ये दिया हुआ है आपको 5। सेकेंड थर्ड मिसिंग है और फोर्थ टर्म दी हुई है, a 4 से डिनोट करते हैं फोर्थ टर्म को, फोर्थ टर्म है 9.5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 19/2। चलिए एस ए एन एनएच टर्म को हम लिखते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। सो ए फोर को क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस फोर माइनस वन मतलब कि 3d हो जाएगा, और यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ए फोर की वैल्यू हमें पता है 19/2, ए की वैल्यू पता है 5 प्लस 3 टाइम्स डी, ठीक है। तो 3d इक्वल टू क्या हो गया, 19/2 माइनस 5, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 9/2, देयरफॉर d इक्वल टू 3/2, ठीक है। अब देखिए हमें फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, d हो गया आपका कॉमन डिफरेंस, तो हम कोई भी टर्म कैलकुलेट कर लेंगे जो कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, देयरफॉर a2 सेकेंड टर्म जो मिसिंग है तो a प्लस डी हो जाएगा, ठीक है, और a हमारी है 5 प्लस 3/2, कितना आ जाएगा 13/2, और इसे हम लिख सकते हैं 6.5, ठीक है। सिमिलरली a3 भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, थर्ड टर्म हो जाएगा a प्लस ट्वाइस ऑफ d, और a हमारी है 5 प्लस 2 इंटू 3/2, ठीक है, तो ये आ गया 8, ठीक है। तो मिसिंग टर्म्स क्या हो गए, हेंस सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 6.5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली, ठीक है, यही दोनों टर्म मिसिंग है। चलिए और क्या यहां फिल कर सकते हैं हम बॉक्स में, आपका 6.5 और नेक्स्ट है 8, तो अब चारों टर्म ये देखिए आप चेक कर सकते हैं एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट थर्ड के सॉल्यूशन। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट विजिट करें, प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।